यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो बीसीएससी वालों का रिजल्ट आ चुका है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग वाले हो या फिर आप बिहार इंजीनियरिंग वाले हो या फिर आप बी फार्मा वाले हो, आप सारे लोगों का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे रिजल्ट डाउनलोड करनी है या फिर अपना रैंक कार्ड कैसे देखनी है, तो फटाफट से चलिए देख लेते हैं हम लोग दो मिनट में। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको फोन के गूगल पे चले जानी है। ठीक है, अपने फ़ोन से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, बीसीएससी सर्च मार देनी है। बीसीएससी सर्च मारने के बाद आपको क्या कर देनी है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जानी है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसके जस्ट दिखे यहाँ पे आपको एक नंबर नोटिस में भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि बीसीएससी का आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आती तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक नंबर में ही देख लो अगर रैंक कार्ड ऑफ बीसीएससी 2022। ठीक है, चलिए फटाफट से हम इस पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा हमारे सामने। और रैंक कार्ड ऑफ एग्रीकल्चर सीबीए एमबीए में देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं ठीक है, तो क्या करेंगे आप इस पर, यानी कि आप सीबीए है, एमबीए है, एमसीए या फिर पीसीए है, तो इस पर क्लिक करेंगे। या फिर आप ज्वाइंट रैंक वाले हैं ठीक है, या कि बीसीएससी पीसीएम या पीसीबी ग्रुप है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर आप पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुप से हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। समझ गए ना, यानी कि आपका बायोलॉजी वाले हैं तो किस पर क्लिक करेंगे आप लोग, इस पर करेंगे। और अगर जो ज्वाइंट रैंक वाले बायोलॉजी में है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पीसी वाले का चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सबसे नीचे में क्लिक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई भी बड़ी बात नहीं, रोल नंबर आप लोग को फटाफट से डाल लेने, आपको एडमिट कार्ड पर रोल नंबर दिख ही रहा होगा, तो रोल नंबर हमारा क्या, चलिए फटाफट से डाल लेते हैं, 25 है, 45 है और 33 है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मंगा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको फटाफट से यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, फटाफट से हम आपको डाल के भी दिखा दे रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने डाउनलोड करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ का ये ईयर पूछा जा रहा है, तो ईयर भी फटाफट से हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे शो रैंक पे आपको क्या कर देनी है, क्लिक कर देनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे यूआर में 8159 रैंक आया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और बीसी में कितना है, बीसी में हमारा है 3212 रैंक आया हुआ है। ठीक है, ये समझ गए ना, ये थोड़ा सा कम चांसेस हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हाई रैंक हो गया, तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपका इतना आया है, फिर इससे ज़्यादा आया, फिर इससे कम आया, जो भी आया है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग अगर हमारे चैनल से करवाने चाहते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर है, ठीक है, दो तीन काउंसलर हम लोग रखते हैं जो कि हर ईयर करते हैं, हर ईयर हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं और उसका एडमिशन भी होता है। ठीक है, हम लोग करवाते हैं, 99% गारंटी देते हैं हम लोग कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर स्मार्ट गुरुकुल से आप काउंसलिंग करवाते हैं। तो अगर आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 91 22 13 76 और 66। ठीक है, ये नंबर हमारा है व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल नंबर, आप यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो या फिर आपको काउंसलिंग करवानी हो तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में यह तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाइए फटाफट से रिजल्ट आप भी अपना चेक कर लीजिए, और हाँ, काउंसलिंग करवाना मत भूलिएगा स्मार्ट गुरुकुल से, क्योंकि आप लोगों का ना 99% गारंटी देते हैं कि एडमिशन आप लोगों का हो जाए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका एडमिशन के लिए। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। धन्यवाद, चलिए कॉल कीजिए फटाफट।